ओके सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे आप स्नैक वीडियो में ड्यूट वीडियो कैसे बनाइएगा। हालांकि ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीका जिससे आप ड्यूट वीडियो बना सकते हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे स्नैक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइक कमेंट शेयर और डाउनलोड का बटन दिया है, लेकिन कहीं भी ड्यूट का बटन नहीं दिया। तो शेयर पर क्लिक करके फिर देखते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं लेकिन ड्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे वीडियो को, डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप इसको कहीं भी इससे ड्यूट वीडियो नहीं बना सकते। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है कि इससे वापस आ जाना है, यहाँ पे वापस आ जाना है। आने के बाद में प्ले स्टोर में जाना है, सिंपल प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो सिंपल इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च बार में लिखना सिर्फ वीडियो जोड़े, देखिए यहाँ वीडियो जोड़ने वाला ऐप या जो भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर पर जो आएगा वीडियो जोड़ने का ऐप, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको सिर्फ ओपन करता हूँ। काफ़ी अच्छा है और आप फोटो से भी वीडियो इससे बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ऐप है। अगर ड्यूट वीडियो आपको बनाना है तो काफ़ी बेटर ऐप है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में इसमें ऐड बहुत ज़्यादा दिखाएगा, अभी देखिए फिर एक ऐड आ गया, तो क्लोज कर देंगे इसको, ओपन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन, फिर से ऐड आ गया, तो फिर इसको क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन है, आप जिस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो उस समय बना सकते हैं। तो सिर्फ हमको ज्वाइन वीडियो बनाना है, वीडियो कॉलिंग नहीं बनाना है, सिर्फ ज्वाइन वीडियो जबकि फर्स्ट ऑप्शन पर है उस पर क्लिक करेंगे। फिर से ऐड आ गया, तो फिर इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइड वाला जो है, आपको मेरी वीडियो देखने के आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट साइड वाला है, उसमें आप जो वीडियो डाउनलोड की है उसको रखना है। फर्स्ट में जो कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले में आपको वीडियो जो है जो डाउनलोड है उसमें रखना है, सेकेंड वाले में जो आप शूट किए हैं उसको रखना है। देखिए मैं डाउनलोड जो किया हूँ उस वीडियो को फर्स्ट वाले में रखता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड वाले में, और जिस वीडियो पे मतलब रिएक्शन देके हमको वीडियो बनाए हुए हैं उसको लेफ्ट साइड में मैं राइट साइड की तरफ से रखता हूँ। अब जो वीडियो बनाए हैं हम उसके लिए चूज कर लिए, अब वीडियो के फाइल में गए और जो वीडियो हम शूट किए हैं उसको लेंगे, उसको ले लिए सिंपल। यहाँ पे ओके पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों वीडियो आ गया है कि एक साइड में जो फर्स्ट वाला लिए है वो वीडियो जो डाउनलोड किए थे जिसके साथ ड्यूट मुझे करना था, और सेकेंड वाले में वो लेंगे जिस पे मेरा खुद का रिएक्शन खुद का शूट वीडियो रहेगा। अब नीचे क्या करेंगे, सिंपल सा ज्वाइन कर देंगे, बहुत सिंपल है, आसान है। अब सिंपल ज्वाइन करने के बाद कुछ देर तक आपको प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा ये वीडियो। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट हो गया है, शो वीडियो पर क्लिक करके वापस आ जाएंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप जिस भी सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को आप कर सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो वापस आने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल स्नैक वीडियो को ओपन करना है। जैसे स्नैक वीडियो को ओपन करिएगा इस तरह की इंटरफेस आएगा, फिर सिर्फ आपको अपने होम पे चले जाना है, जो आपका होम है वहाँ पे जाना है, होम पे क्लिक करना है। होम पे जाने के बाद में आपको सिंपल आपका जो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि प्लस के बेल आइकन पर क्लिक करना है, उसके एल्बम को खोलना है जहाँ से आप अपने फाइल की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ओपन कीजिएगा तो कुछ आपका जितना भी वीडियो का फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको जो ड्यूट वीडियो आप किए हैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में है तो यहाँ पर कर दिए, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहे, इफेक्ट फिल्टर वगैरह आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ पे आपका हैशटैग, देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग देता है, सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें कि जो ट्रेंड में चलता है हैशटैग वो देता है। इसी कारण से हर किसी का वीडियो वायरल होता है। तो आप यहाँ पर जितना चाहे उतना हैशटैग, कम से कम पाँच से कम तो नहीं लगाना चाहिए, 5 हैशटैग आपको लगाना चाहिए कम से कम। तो जितने भी ट्रेंडिंग हैशटैग है उसको हम इसमें डाल देंगे, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो वायरल होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहेगा। उसके बाद एक
आप अपने फ्रेंड को भी टैग कर सकते हैं। यहाँ पर डन करने के बाद फ्रेंड को टैग करते हैं। फ्रेंड को टैग करने के लिए मेरे पास तो एक ही फ्रेंड है, वो स्नैक वीडियो ऑफिशियल, तो इनको टैग कर देंगे। इनको टैग करना भी चाहिए आपको। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या देखेंगे कि मेरा वीडियो पब्लिश है या प्राइवेट है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा वीडियो पब्लिक है, तो पब्लिक आप कर दीजिए। उसके बाद तब शेयर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे, वीडियो मेरा अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ वीडियो को फिर से हम शेयर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए आप स्नैक वीडियो को वाटरमार्क दिख रहा है, तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाइए, सर्च कर सकते हैं कि विदाउट वाटरमार्क स्नैक वीडियो कैसे डाउनलोड करें, या अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि विदाउट वाटरमार्क स्नैक वीडियो कैसे डाउनलोड करें। तो जब तक आप इसके जो स्नैक वीडियो है विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड कीजिएगा, तभी आपका सही वीडियो बन पाएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि डूइट वीडियो कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँगा उस तरह से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बताइए।